उत्तर प्रदेश में इस वक्त फिल्म स्टार्स के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक और जहां वेब सीरीज के ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं, तो वहीं अब फिल्म सेट पर पथराव की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल जौनपुर में भोजपुरी फिल्म मेरा भारत मान की शूटिंग चल रही है, इसी दौरान पथराव किया गया जिसमें फिल्म की एक्ट्रेस मणि भट्टाचार्य गंभीर रूप से घायल हो गई। शूटिंग के दौरान हुए पथराव में मणि भट्टाचार्य का सर फट गया, जिसे लेकर एक्ट्रेस का कहना है कि यूपी में फिल्म इंडस्ट्री बनने जा रही है, लेकिन उससे पहले कलाकारों की सुरक्षा का इंतजाम भी सरकार को करना चाहिए। अच्छा था कि पत्थर सर पे लगा, अगर आंख में लगता तो पूरा करियर बर्बाद हो जाता। ना हुई जिसमें आपको चोट लगी हुई है, क्या कौन सी फिल्म थी और क्या हुआ था? मेरा भारत महान मूवी का शूटिंग चल रहा है जिसमें डायरेक्टर देवेंद्र जी हैं, और कल मेरा पवन जी के साथ एक सीन चल रहा था जिसमें पवन जी में और मेरे जो हस्बैंड का किरदार कर रहे हैं वो थोड़ा सा ही शॉट बचा था। पवन जी का कंप्लीट हुआ, मेरा एक शॉट बचा था, तो मैं रेडी हो रही थी तो तुरंत बहुत जोर से कुछ आके मतलब मेरे सर पे गिरा, तो मैं ब्लैकआउट हो गया, पूरा अंधेरा हो गया, मैं बैठ गई। उसके बाद जब मुझे मेरा आँख खुला, मैं चेयर के ऊपर बैठी थी सब लोग वहाँ पे, और पिछले दो दिन से बहुत क्राउड हो रहा था वहाँ पे, मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे पुलिस, इतना क्राउड हो रहा था। तो शाम के टाइम में था, अचानक ऐसे हुआ, तो जब मैं बैठे मैं देखा ऐसे, मतलब बहुत दर्द हो रहा था, बहुत रो रही थी मैं, प्रेशर फॉल हो गया था, नर्वस क्रिएट हो गया था। मैं देखा हाथ ऐसे किया, हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, साड़ी पहनी थी वो भीग गया था, कोई रुमाल से ऐसे करके जाके और ज़्यादा खून ना निकले तो वो भी भीग रहा था ब्लड से। तो मैं तुरंत मुझे हॉस्पिटल में लेके गया। बाद में मैं सोचा था कि शूटिंग का ही होता है कि कटर स्टैंड या फिर लाइट स्टैंड कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कोई जनता के उधर से बड़ा पत्थर फेंका था। तो हॉस्पिटल में लेके गया, फिर ट्रीटमेंट हुआ। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया कि बहुत डर लगता है ये सब चीज़ों से, लेकिन गहराई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ इसीलिए स्टिच नहीं हुआ, बैंडेज करके दिया और इंजेक्शन सब लगाया, ट्रीटमेंट चल रहा है। ये पूरी घटना पे आप प्रदेश सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं सरकार से, क्या अपेक्षा है कलाकार होने के नाते? गवर्नमेंट से मैं यही बोलूँगी, पुलिस प्रोटेक्शन तो था बट और भी ज़्यादा हम लोगों को सिक्योर करते तो अच्छा होता। मतलब एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग दर्शकों के लिए मूवी करते हैं। इतना सालों से मैं भी इंडस्ट्री में, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, मैं कोलकाता से हूँ, मैं यूपी में मतलब बहुत सारा शूटिंग मतलब मूवीज़ भी कर चुकी हूँ भोजपुरी में। तो खाली मेरे लिए नहीं, मैं मतलब सभी आर्टिस्ट के लिए बोल रही हूँ। कल आर्टिस्ट की जगह कोई टेक्नीशियन को भी ऐसे लग सकता था, आर्टिस्ट को भी लग सकता था, हम लोग को और सिक्योर करना चाहिए था। मैं तो बहुत डर गई हूँ, मैं मतलब मैं कल जब शूट पे जाऊँगी, मैं रास्ते में मतलब होटल में हूँ अभी, मैं रास्ते में निकलने पे ही मुझे डर लग रहा है कि फिर कल थोड़ा सा के लिए मेरा आँख बच गया, मैं तो हैंडीकैप्ट हो जाती हूँ अगर ऐसा होता। दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? दर्शकों के लिए मैं हाथ जोड़ के ये विनती कर रही हूँ कि हम लोग, आप लोग हम लोगों के लिए भगवान होते हैं, आप लोगों के लिए हम लोग मूवी करते हैं। लॉकडाउन के स्थिति में करीब 5-6 महीना पूरा नॉट ओनली भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरा फिल्म इंडस्ट्री हर जगह पे, कॉरपोरेट वर्ल्ड सभी बहुत नुकसान हुआ है। सिनेमा घर बंद था, सब लोग सोच रहे थे फिर कब कम बैक करेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आप लोगों के सामने आ रहे हैं। मैं भी लगभग 10 मूवी कंप्लीट किया, ये मेरा 11 नंबर मूवी चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू मेरा शूट है, कंटिन्यू मूवी रिलीज हो रहा है, होगा। मैं आप लोगों से ये अच्छों की विनती कर रही हूँ कि आप लोग शूट देखो, भीड़ करो, क्राउड करो, किसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को जब कंट्रोल कर रहे हैं या पुलिस प्रोटेक्शन दे रहा है तो उसके ऊपर चढ़ाव करके आप आर्टिस्ट को ऐसे करके हार्म मत करो। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बहन हूँ, आप लोगों को भी वैसे है, आप लोगों को फील होना चाहिए था कि जब मेरा खून निकल रहा था, जो शख्स ऐसे किया है वो कैसे कर सकते हैं ऐसे, इतना जख्म हुआ, इसकी जगह कोई भी पवन जी हो सकता था, कोई भी आर्टिस्ट होता, कोई भी टेक्नीशियन होता, किसी को भी लग सकता था। तो मैं आप लोगों से ये विनती कर रही हूँ, हम लोग आपके लिए हैं, आप लोग अगर हम लोगों को ऐसे करेंगे तो हम लोगों का भरोसा टूट जाएगा।
हम लोग दोबारा मूवी साइन करने से पहले सोचेंगे कि सही में हम लोग ठीक करने जा रहे हैं, तो हम लोगों के सम्मान, हम लोगों की सुरक्षा आप लोगों के हाथ में, आप लोग ऐसा मत कीजिए। आपको बता दें, मणि भट्टाचार्य फिल्म में हीरोइन की सहेली का किरदार निभा रही हैं। फिल्म में रवि किशन और पवन सिंह मेल लीड में हैं, तो अंजना सिंह और गरिमा परिहार फीमेल लीड की भूमिका में हैं। न्यूज़ डेस्क।